बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीने ग्रामी पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबो गरीब कैफियत पैदा हो गई जब लोगों की एक बड़ी तादाद ने आसमान में सितारों की एक रेलगाड़ी को उड़ते देखा। बाज़ लोगों ने उसे खलाई मखलूक कहा तो बाज़ ने उसे अल्लाह का अजाब करार दे दिया। लेकिन दर हकीकत सितारों की इस रेलगाड़ी के पीछे क्या राज छुपा है, इसके लिए हमें माजी के चंद सफ़ात को खोलना होगा। नाज़रीन, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने एलन मस्क का नाम नहीं सुना होगा। ये ना सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में सरे फहरिस्त हैं बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली तरक्की और टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसे ऐसे आइडियाज़ दुनिया के सामने रखते हैं कि इंसान की अकल उसे मानने को तैयार नहीं होती। दुनिया के लिए एक्सकॉम, स्पेस एक्स, टेस्ला, मस्क फाउंडेशन और सोलर सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स एलन मस्क का ही तोहफा हैं। स्पेस एक्स की ज़ेरे निगरानी स्टारलिंक के नाम से इंटरनेट का एक नया और जदीद तरीन निज़ाम दुनिया को मुतारिफ कराया गया था। और अब अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो एक बहुत बड़ा कदम हाल ही में उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम 9 सितंबर 2022 की रात की तारीकी में चमकदार नज़र आने वाली चीज़ों की ही बात कर रहे हैं। दरअसल ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट के हवाले से लॉन्च किए गए सैटेलाइट थे जिससे आने वाले वक्त में इंतहाई जदीद इंटरनेट पाकिस्तान वालों को मिल सकेगा और वो भी बग़ैर किसी तातुल के। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि मुस्तकबिल में इसी प्रोजेक्ट के ज़ेरे इंतज़ाम मज़ीद 42,000 सैटेलाइट आसमान में छोड़े जाएंगे जबकि 2,200 सैटेलाइट पहले ही छोड़ी जा चुकी हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अनकरीब हम घरों में लगे एक छोटे से डिश एंटीना के ज़रिए हर जगह हर वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, यूरोपी ममालिक और अमेरिका समेत 40 ममालिक में इस वक्त ये सहूलत मौजूद है और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद सार्फीन इससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। यकीनन एलन मस्क हैरत अंगेज़ और जदीद टेक्नोलॉजी से दुनिया वालों को सहूलियात मुयस्सर करने में बहुत बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं।